हेलो जैन बच्चों, हम लोग क्या एक नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाएंगे, तो उसमें हमने चार टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें क्या था कि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो उसका कैसे बनाएंगे, फिर उसका डू नॉट या डोंट से चालू हो तो कैसे बनाएंगे, प्लीज या काइंडली से चालू हो तब कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद ऑलवेज या नेवर से चालू होगा तब कैसे बनाएंगे। ये चार टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब अगला जो टॉपिक था हमारा लेट वाले वाक्य, कि लेट वाले वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, लेट वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें लेट वाले सेंटेंस को पहचान आना चाहिए कि लेट कितने प्रकार से होते हैं। तो पहला जो कह रहा है, अगर कोई सेंटेंस लेट अज, पहला कह रहा है लेट अज या लेट्स, ये अपॉस्ट्रोफी से चालू हो। पहला फर्स्ट टॉपिक कह रहा है कोई सेंटेंस लेट अज या लेट्स, कह रहा है कि अपॉस्ट्रोफी यस से चालू हो, कोई सा भी सेंटेंस हो तब हम क्या करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है, तो ध्यान देना क्या करेंगे, कह रहा है सेड टू को हमें बदलना होगा। तो सेड टू को हम या तो बदलेंगे सजेस्टेड टू में, सजेस्टेड टू, या फिर प्रपोज टू में, प्रपोज्ड टू में। ध्यान देना कह रहा है लेट अज या लेट से चालू होगा, तो सेट टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलेंगे। सेड के बाद टू है तो सजेस्टेड के बाद टू लगाएंगे या प्रपोज के बाद टू लगाएंगे, टू नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद दूसरा कह रहा है इन्वर्टेड कामा बराबर, आपको क्या लगाना है, दैट। इन्वर्टेड कामा बराबर दैट लगाएंगे, फिर दे या फिर वी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताते हैं। ध्यान देना, जब कामा इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट लगाओगे तो जो यहाँ लेट लिखा है वो हट जाएगा, लेट हट जाएगा, ये लेट हट जाएगा। तो अज को या तो दे में बदलेंगे या तो वी में, तो कब दे में बदलेंगे कब वी में हम आगे बताते हैं। अज को हम दे या वी में बदलेंगे। उसके बाद शुड क्रिया हम अपने से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शुड क्रिया अपने से लगाएंगे, और बचे हुए को क्या करेंगे, उतार देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या क्या हो, वी हो, तब हम अज बराबर क्या लिखेंगे, वी। ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई या वी हो तो अज बराबर हम वी लिखेंगे। अगर आई और वी नहीं है तब हम उसको किस में बदलेंगे, आपका दे में। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है, कह दिया जाए ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में लेट अज रीड द बुक, रीड द बुक, कह रहा लेट अज रीड द बुक। अब ये सेंटेंस लिखा है तो हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच किससे चालू, भैया लेटर से। तो हमारे माइंड में तुरंत याद आ जाना चाहिए कि लेटर से चालू होगा तो सेट टू बराबर क्या लिखेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज टू। तो हम क्या करेंगे, ही, अब सेड को बदल देंगे सजेस्टेड या प्रपोज टू में। तो ध्यान देना, हमने क्या कहा, अगर सेड के बाद टू है यानी टू लगा है तो यहाँ लगाना, नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाया नहीं लगाएंगे। फिर कह रहा है कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट, हमने दैट लगा दिया। तो जब कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा। अब अज को बदलना है तो कह रहा अज को या तो दे में बदलो या तो वी में। तो जरा यहाँ देख लो, अगर यहाँ आई या वी लिखा रहेगा तो हम वी में बदलेंगे, आई और वी नहीं है तो अज को हमेशा किस में बदलेंगे, दे में। दे में बदल दिया, सुड क्रिया अपने से लगाएंगे, लगा दिया, अज को दे में बदला, सुड क्रिया अपने से लगाया। अब बचा क्या, रीड द बुक, तो हमने क्या लिख दिया, रीड द बुक, बन गया आपका इनडायरेक्ट। दूसरा कह दिया जाए आई सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा में लेट्स सिंग ए सॉन्ग। तो ध्यान देना, देखो लेट से चालू है, हमने क्या कहा लेट अज या लेट से चालू होगा, तो हम सेट टू बराबर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलेंगे। तो हमने यहाँ बदल दिया सजेस्टेड। अब देखो सेड के बाद टू लगाया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, टू, हिम है तो हिम लिख देंगे। अब कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाएंगे, दैट, दैट लगाएंगे तो यहाँ जो लेट लिखा है वो हट जाएगा। अब बचा क्या अज, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिखा है, जैसे डू नॉट का क्या होता है, डोंट होता है। तो अज को हमें या तो दे में बदलना है या तो वी में। तो जरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखो, यहाँ क्या लिखा है, आई, कह रहा है अगर आई और वी लिखा होगा तो अज को किस में बदलेंगे, वी में। अगर आई और वी नहीं है तो अज को किस में बदलेंगे, दे में। ठीक है, वी में बदल दिया। अब शुड क्रिया हमने क्या किया, अपने से लगाया। बचा क्या, सिंग ए सॉन्ग, तो हमने क्या लिख दिया, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, कह दिया जाए सी सेड कामा इनवर्टेड कॉमा में
लेट अज सी द जू, ठीक है, ये लिखा है आपका, तो क्या हो जाएगा सी, अब हमने देखा लेटेस्ट से चालू हुआ तो सेट टू को हमने बदल दिया सजेस्टेड में, कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट, दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा, अज को या तो दे में या तो वी में बदलना है, तो हमने देखा यहाँ सी लिखा है तो हम किस में बदल देंगे दे में, फिर कह रहा है शुड क्रिया अपने से लगाओ, फिर उसके बाद बचा क्या सी द जू, हमने ये लिख दिया, ये था रूल नंबर फर्स्ट, ये था रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आता है हमारा रूल नंबर सेकंड, कह रहा है कि अगर अब लेट के बाद, कह रहा है कि लेट के बाद क्या आ जाए इट या बी आ जाए, इट बी, कह रहा है लेट के बाद क्या आ जाए इट बी, यानी लेट के बाद क्या लिखा हो इट बी, तो हमारा जो काम होगा सेड टू को हम किस में बदलेंगे सपोज्ड में, किस में बदलेंगे सपोज्ड में, सेट टू को हम किस में बदलेंगे सपोज्ड में, सपोज्ड में बदल दिया। अब कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाएंगे, तो कह रहा है कामा इनवर्टेड कामा इक्वल लगाएंगे दैट, दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा, बचा इट बी, इट बी, इट बी को हम किस में बदल देंगे टू बी में, किस में बदल देंगे टू बी में, इट बी को हम बदल देंगे टू बी में, आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, तो देखो जैसे लिखा है कह दिया जाए ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में लेट इट बी अ पेन, लेट इट बी का मतलब होता है मान लो, ठीक है, कह रहा ही हमने देखा लेट अस से चालू होगा तभी जो रूल पढ़ा वो फॉलो करेंगे, लेट के बाद इट भी आ जाए तो कह रहा है इट भी आ जाएगा तो सेट टू को हम किसमें बदलेंगे सपोज्ड में, तो हमने सेट टू को किसमें बदल दिया सपोज्ड में, किसमें बदल दिया सपोज्ड में, फिर कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या कह रहा है दैट, दैट लगा दिया, अब जब दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा, कह रहा है इट बी को किसमें बदलना है टू बी में, तो हमने किसमें बदल दिया टू बी, अब बचा जो उसे हमने क्या किया उतार दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कह दिया जाए सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा में लेट इट बी अ बॉटल, मान लो यह एक बॉटल है तो सी, अब हमने देखा लेट के बाद क्या आया इट बी, तो सेट टू को हम बदल देंगे सपोज्ड में, बदल दिया सपोज्ड में, सेट टू को पूरे को सपोज्ड में बदलना है, उसमें सेट के बाद टू रहता तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लगाते, लेकिन यहाँ सेट टू को सपोज्ड में, अब मी जैसे लिखा वैसे मी कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट, अब लिखा है क्या लेट हट जाएगा, बचा इट बी को तो हम किसमें बदल देंगे टू बी ए बॉटल, बस ये था रूल नंबर सेकंड, ठीक है। हमने दो टॉपिक पढ़ा लेट अज या लेट्स, अब उसके बाद क्या आ जाए लेट बी, ठीक है। अब तीसरा रूल नंबर थर्ड, अब कह रहा है कि यदि लेट के बाद, लेट के बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से चालू हो उसके बाद मी आ जाए हर आ जाए हिम आ जाए ठीक है देम आ जाए यू आ जाए या फिर क्या आ जाए इट आ जाए, इट भी नहीं सिर्फ इट आ जाए, ध्यान देना इट भी आएगा तो अभी इससे पहले, तो कह रहा है लेट के बाद इन छो में से कोई सी भी स्थिति हो तब, सबसे सिंपल सी बात है सेड टू को, सेट टू को हम किसमें बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, किसमें बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, सेट टू को रिक्वेस्ट में बदल देंगे, अब कामा इनवर्टेड कामा इक्वल अब हम क्या लगाएंगे इसमें टू लगाते हैं, टू लगाएंगे तो लेट नहीं हटेगा, तो जैसे लिखा है लेट के बाद वैसे जो भी परिवर्तन आएगा उसे लिख करके लास्ट में क्या लगा देंगे फुल स्टॉप। और दूसरी स्थिति अगर हम लेट के बाद क्या लगाते हैं यानी कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाते हैं दैट, तो दैट लगाएंगे तो ये लेट क्या होगा हट जाएगा, तो लेट हट जाएगा तब हम क्या करेंगे हमें चाहिए यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे ध्यान देना जो ये लिखा है मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई, हर का ऑफ सब्जेक्टिव केस सी, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, देम का सब्जेक्टिव केस दे, यू का सब्जेक्टिव केस यू, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है उसका हमें चाहिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट, उसके बाद हम शुड क्रिया अपने से लगाएंगे और फिर जो भी बचा रहेगा उसे हम क्या करेंगे उतार देंगे, तो ध्यान देना देखो जैसे कह दिया जाए ही सेड कामा इनवर्टेड कॉमा में लिख दिया जाए लेट मी गो होम, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे देखा हमने लेट के बाद क्या आया मी, कह रहा लेट के बाद मी आ जाए हर आ जाए हिम आ जाए देम आ जाए यू आ जाए इट आ जाए, तो सेट टू को हमें बदल देना है किसमें रिक्वेस्टेड में, बदल दिया रिक्वेस्टेड में,
फिर कह रहा है पहला रूल, कामा इनवर्टेड कामा इक्वल टू लगाते हो, अगर टू लगाते हो तो लेट जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा ही के पास, तो मी ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम, गो होम, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अगर आप कह रहे हैं सेकंड रूल से बनाओ, नहीं कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट लगाना चाहते हो, तो ही रिक्वेस्टेड जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा, अब कामा इनवर्टेड कामा इक्वल दैट, दैट लगाएंगे तो यहाँ से लेट हट जाएगा। अब मी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, अब यहाँ आई हो जाएगा, तो आई जाएगा ही के पास, तो क्या हो जाएगा, ही, बचा अपने से क्या लगाएंगे, शुड, फिर कह रहा है गो होम, क्या दिया जाए दूसरा, क्या दिया जाए, सी सेड कामा इनवर्टेड कॉमा लेट हर रीड बुक, उसे किताब पढ़ने दो। तो देखो सी, अब लेट के बाद देखो हर आया, लेट आ जाएगा तो दूसरा रूल, लेट इट भी आएगा तो दूसरा रूल, अब लेट के बाद इनमें से कोई चीज़ आएगा इसके लिए क्या है, दूसरा रूल, तो हम सेट टू क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड बदल दिया, कामा इनवर्टेड कामा इक्वल अगर टू लगाते हैं तो लेट जैसे लिखा वैसे, हर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, जैसे लिखा वैसे रीड द बुक, ठीक है। अगर दूसरे रूल से हम बनाना चाहते हैं तो सी सेट टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदला, कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाएंगे, दैट, दैट लगाएंगे तो यहाँ से लेट हट जाएगा। अब हमें चाहिए इसका सब्जेक्टिव केस, तो सी का सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, और सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, उसके बाद हम शुड क्रिया अपने से लगाएंगे, शुड क्रिया अपने से लगाया, बचा क्या, रीड द बुक, तो हम क्या लिख देते हैं, रीड द बुक, ठीक है, ये था हमारा इस तरीके से रूल नंबर थर्ड। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आपका रूल नंबर क्या है, सेकेंड फोर्थ है, अगला है रूल नंबर फोर्थ, ध्यान देना रूल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है अगर लेट के बाद, कह रहा है कि अगर लेट के बाद क्या आ जाए, देयर बी आ जाए, कह रहा है अगर लेट के बाद क्या आ जाए, देयर बी, अब नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देना, कह रहा है अगर लेट के बाद क्या आ जाए, देयर बी आ जाए, तो आपको क्या करना है, तो सेट टू को आप क्या करोगे, या तो एडवाइस में पढ़ोगे जैसा भाव रहेगा वैसे एडवाइस में, या तो किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाओगे, दैट, और दैट लगाओगे तो पता है लेट हट जाएगा, तो देयर जैसे लिखा है हम उसको क्या करेंगे, वैसे लिख लेंगे, शुड क्रिया अपने से लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, बी, और बी लिखने के बाद जो बचा रहेगा उसे क्या करेंगे, क्रम से उतार देंगे। ध्यान देना एक एग्जाम्पल हमें आप लिखते हैं, जैसे लिखा है देखो, कह रहा ही सेड कामा इनवर्टेड कॉमा में लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, कह रहा मेरे मामले में कोई इंक्वायरी छानबीन मत करो, कह रहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, कह रहा मेरे केस में कोई छानबीन न करो, तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि एडवाइस दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है भैया मेरे केस में कोई छानबीन न करो, तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, सेट टू किसमें बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, क्यों, क्योंकि ध्यान देना हमने लेट के बाद क्या, देयर भी आ जाएगा, तो सेट टू को या तो एडवाइस में या तो रिक्वेस्टेड में बदलना है, तो हमने क्या करा है यहाँ, रिक्वेस्टेड करा तो रिक्वेस्टेड में बदल दिया, फिर कह रहे हैं कामा इनवर्टेड कामा इक्वल क्या लगाएंगे, दैट, दैट को लगाते ही आपको पता है लेट हट जाएगा, देयर जैसे लिखा है कह रहा है वैसे लिख दो, फिर शुड क्रिया अपने से लगाओ, हमने शुड क्रिया अपने से लगाया, फिर बी से जो बचा है हम उसे क्या करेंगे, उतार देंगे, इंक्वायरी इंटू माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा ही के पास, तो क्या हो जाएगा, हिज केस, ये था रूल नंबर फोर, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट और अंतिम है रूल नंबर फाइव, उसके बाद अभी और सारे टॉपिक्स बचेंगे जो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, या फिर इसी में भी बताते हैं नेक्स्ट डे क्या कवर करेंगे, ध्यान देना रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव क्या कह रहा है, कह रहा है अगर लेट के बाद कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, अब ध्यान देना पांचवा स्थिति पढ़ रहे हैं, लेट के बाद लेटा जाएगा तो लेटा वाला रूल लगाओगे, लेट के बाद क्या आ जाए, इट भी आ जाए तो इट भी वाला रूल लगाओगे, लेट के बाद मी हिम हर इट देम यू आ जाए तो उसका रूल लगाओगे, लेट के बाद देयर भी आ जाएगा तो उसका रूल लगाओगे, अगर ये चार स्थिति नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना, या तो नाउन लिखा या तो प्रोनाउन, तब हम सेट टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, सेट टू को हम किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है। फिर कामा इनवर्टेड कामा इक्वल किसमें बदलेंगे, दैट,
दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा। फिर उसके बाद लेट के बाद जो पहला वर्ड होगा या तो वो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। उसे लिखने के बाद हम शुड क्रिया अपनेस लगाएंगे और जो भी वर्ड बचे रहेंगे उसे हम क्या करेंगे, क्रम से उतार देंगे। जैसे ध्यान देना, लिखा ही सेट काम आई नॉट काम में लेट द मैन बी सेट फ्री, कह रहा उसने कहा आदमी को स्वतंत्र कर दो, तो स्वतंत्र कर दो ऑर्डर दे रहा है तो क्या हो जाएगा ही। अब देखा हमने लेट के बाद क्या आया है, नाउन द मैन, आपका कौन सा वर्ड होता है नाउन, तो नाउन लिखा है तो सेट टू किस में बदल देना है, ऑर्डर्ड में बदल दिया। कह रहा है कामा इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, दैट लिखोगे तो लेट हट जाएगा। अब बचा क्या द मैन, द मैन कह रहा है कि दैट लगाने के बाद जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा उसे लिख लेना, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है शुड क्रिया अपनेस लगाओ, तो हमने क्या किया शुड क्रिया अपनेस लगा दिया, बी सेट फ्री, ठीक है बी सेट फ्री। दूसरा रूल कह दिया जाए ही सेट काम है मास्टर काम है लेट नो वन, कह रहा कम लेट, कोई देर से ना आने पाए। देखो लेट के बाद नो वन, नो वन आपका क्या होता है प्रोनाउन होता है ना, तो लेट के बाद लेटज आया है, लेटज नहीं आया है, लेट इट भी नहीं आया, लेट के बाद मी हर जो पढ़े वो नहीं आया, लेट के बाद देयर भी नहीं आया, तो इसका मतलब या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हम सेट टू क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर्ड में बदलने के लिए, हमने बदल दिया ऑर्डर्ड कामा इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, दैट लगाओगे तो लेट हट जाएगा। कह रहा पहला नाउन या प्रोनाउन लिख लो, तो पहला जो प्रोनाउन है हमने उसे लिखा, शुड क्रिया अपनेस लगाओ और फिर जो बचा है उसे हम क्या करेंगे उतार देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। अब ये था क्या है हमारा टॉपिक जो खत्म होता है लेट वाला। अब इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दे लो इसी में, जैसे लेटर्स वाले में सवाल जवाब की बात आ जाए, ध्यान देना सम स्पेशल रूल्स जिसे हम कहते हैं। सम स्पेशल रूल ध्यान देना, जैसे कह दिया जाए ही सेड कामा इनवर्टेड कॉमा में लेट अस गो टू सी द जू, क्या चिड़ियाघर देखने चलोगे, यहाँ लेट से लिख देते हैं, ठीक है। मान लो ही सेड उसने कहा, अब उसका कोई दोस्त था मान लो राम, उसने सेड जवाब दिया, क्या जवाब दिया लेट्स नॉट, लेट्स नॉट नहीं यार मन नहीं है नहीं चलूंगा, ठीक है। अगर लेट्स नॉट में जवाब मिलेगा तो ऊपर वाले को तो आपको बनाने आता ही है, सेट टू को हम बदल देंगे किस में सजेस्टेड में, बदल दिया कामा इन वॉटेड कामा इक्वल दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे तो लेट हट जाएगा। अज को किस में बदलेंगे दे में, क्योंकि ही है तो दे। फिर शुड क्रिया आपने से लगाया जो अभी आपने पढ़ा है, फिर बचा क्या गो टू सी द जू, इतना बनाने के बाद अब हमारा नीचे वाला बचा है, तो नीचे वाला बचा है तो क्या करोगे, जो आपका सब्जेक्ट जो कह रहा है बस उसको लिखो, उसको क्या करोगे लिखोगे, पहले तो बट लगाओगे इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाओगे बट, फिर जो सब्जेक्ट है उसको लिखोगे, तो हमने इसको लिख दिया क्या राम। बट लगाएंगे जो राम लिखा है सब्जेक्ट उसे लिखेंगे, और उसके बाद जब लेट्स नॉट लिखा रहेगा तो हम लिख देंगे ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड का मतलब क्या कर रहा मैं इसको विरोध कर रहा हूँ, नहीं भैया नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से इतना टॉपिक आपका समाप्त होता है, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नए पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।